Hey everyone, welcome back to MindSpine tutorial. So, our today's topic is basic concepts of remote sensing. ये जो टॉपिक होता है इकोटॉक्सिकोलॉजी में जनरली पूछा जाता है और ये जो रिमोट सेंसिंग टॉपिक रहता है इसमें इसके बेसिक कंसेप्ट इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं रिमोट सेंसिंग की इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में ये सारी चीजों को हम इस टॉपिक में मेनली स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम जो टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सो so, दो बेसिक ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती है जो कि पहली होती है रिमोट और दूसरा होता है सेंसिंग रिमोट का मीनिंग होता है समथिंग विच इज फार अवे ऐसी कोई चीज जो अगर कहीं हमसे दूर रखी हुई है या फिर कहीं दूर है तो उसको हम रिमोट सेंसिंग यानी गेटिंग और गेटिंग डेटा अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कोई डेटा मिल रहा है किसी चीज के बारे में हम उसको सेंस कर पा रहे हैं तो इसी को सेंसिंग कहा जाता है तो ये दो टर्मिनोलॉजी ऐसी रहेंगी जिसको हम रिमोट सेंसिंग में बेसिकली यूज करेंगे अब यहाँ पर एक और छोटा सा कंसेप्ट हम यहाँ लेते हैं पहले जो कि साइंस में आपने पहले भी देखा होगा जो कि ये है कि सन जो होता है वो हमारा एनर्जी सोर्स होता है और ये जो एनर्जी सोर्स रहता है इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं उसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर हम यहां पर थोड़ा सा डिवाइड करके समझे तो उसमें ऊपर होती है गामा रेस एक्स रेस यूवी रेस फिर एक पोर्शन आता है जिसको हम कहते हैं विजिबल रीजन जिसमें सेवन कलर्स होते हैं विबग्योर जिसमें आ जाते हैं वायलेट इंडिको ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड उसके बाद इन्फ्रा रीजन होता है माइक्रोवेव रीजन होता है और रेडियोवेव रीजन रहता है तो इस तरह से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एक छोटा सा हमने यहाँ कंसेप्ट देखा अब बात आती है रिमोट सेंसिंग में होता क्या है किस तरीके से ये वर्क करती है इसके बारे में अगर हम समझे तो यहाँ एक डायग्राम है जो कि आपके सामने शोन है आप इसको देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर सन जो है सन यहाँ पर अपनी रेस को पहुंचा रहा है और अर्थ के सरफेस पर जो चीज है उनको देख सकते हैं हम यहां पर पॉण्ड ट्री बिल्डिंग है पॉण्ड ट्री बिल्डिंग अर्थ के सरफेस पर है सेटेलाइट है ऊपर जो कि स्पेस के अंदर है फिर उसके बाद यहां पर अर्थ के ऊपर ही रिसीविंग स्टेशन भी है तो ये पहले तो पोजिशन हमने समझ ली सेटेलाइट स्पेस में है रिसीविंग स्टेशन अर्थ के ऊपर है सन यहां पर है अब सन ने क्या करा जब सन ने अपनी रेज ऑफ सन एनर्जी को पौंड के ऊपर ट्री के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर रिलीज करा तो कुछ ऐसी रेज होंगी जो कि पौंड जो होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा ट्री भी एब्जॉर्ब कर लेगा और बिल्डिंग भी एब्जॉर्ब करेगी लेकिन कुछ ऐसी रेज होगी जो ये अपने अंदर से रिफ्लेक्ट बैक भी करेंगे यानी कुछ एनर्जी को तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ एनर्जी को क्या कर देते हैं रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस से एटमोस्फेयर की तरफ लेकिन यहां पर डिफरेंस ऐसा आता है कि जो पौंड होगा ट्री होगा और बिल्डिंग होगी इन तीनों में जो एब्जॉर्ब करने का रेशियो होगा और जो रिफ्लेक्ट करने का रेशियो होगा वो अलग अलग हो सकता है जैसे कि अगर हम बात करते हैं पॉन्ड जो रहेगा ये अपनी एनर्जी को किस तरह से रिलीज करेगा इट विल सम एनर्जी ऑफ सन एंड सम एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड ये पॉइंट तो क्लियरली हमें समझ में आता है अब ये जो पॉण्ड का वाटर है ये यहां पर ज्यादा एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा एज कम्पेयर्ड टू ट्री और बिल्डिंग क्योंकि ट्री और बिल्डिंग में ऐसे हॉलो स्पेसेस होंगी जहां पर लाइट और इजिली अंदर तक चली जाएंगी या फिर एनर्जी और इजिली उनके अंदर तक चली जाएगी इसी वजह से यहां जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसके कम्पेरिजन में कम होगा ट्री बिल्डिंग जो होगी वो रिफ्लेक्शन कम करेंगे एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे और पॉइंट जो होगा वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा एब्जॉर्ब कम करेगा तो ये बात हमको यहां पर समझनी होगी उसके बाद यहां पर आती बात कि यही पॉइंट्स को मैंने यहां पर लिखा है ट्रीज विल डू लेस रिफ्लेक्शन अब ये बात जो है हमारा ये जो डायग्राम है इसको आपको एक बार माइंड में अच्छे से सेट करना है क्योंकि इसी के बेसिस पर अब हम कुछ पॉइंट्स को और क्लियरली समझते चलेंगे अब जो सैटेलाइट होती है जो हमने स्पेस में शो करी थी सेटेलाइट्स में होते हैं सेंसर्स यहां सेंसर ही लिखा था लेकिन हम इसको सेंसर्स करके यहाँ कम्पलीटली सही लिखेंगे तो सैटेलाइट में होते हैं सेंसर्स और सेंसर्स कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी जो भी कहीं से भी वो इन चीजों से रिफ्लेक्ट होकर जो एनर्जी ऊपर तक जा रही है उन सभी चीजों को या फिर किसी भी डेटा को गैदर करना है तो वो सेंसर्स करते हैं जो कि सैटेलाइट के अंदर पाए जाते हैं अब सेंसर दो तरह के होते हैं एक्टिव पैसिव जिसको मैं अभी आगे इसी वीडियो सेगमेंट में एक्सप्लेन करूंगी कि एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या होता है सेंसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं वो एनर्जी या फिर रिफ्लेक्टेड एनर्जी या फिर इमिटेड एनर्जी किस में से जो क्या आ रही है पोन्स में से ट्रीज एंट में और बिल्डिंग्स में से यानी कि हो क्या रहा है कि अभी हमने कहा था पोन्ट्स ट्रीज बिल्डिंग पर जब कोई एनर्जी गिरती है तो वो कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको जो भी कुछ बचा हुआ पोर्शन होता है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं अब वो जो पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है एनर्जी का उस रिफ्लेक्टेड एनर्जी को कहां जाना होता है सेटेलाइट तक जाना होता है सेटेलाइट में होते हैं सेंसर्स जो कि उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है जैसे रिकॉर्डिंग हो जाती है सेंसर्स जो होते हैं ये यही सेंसर्स एक्टिव पैसे वाले सेंसर्स ये जो एनर्जी उन्होंने रिकॉर्ड करी थी वो पहुंचा देते हैं उस एनर्जी को या फिर इस इन्फॉर्मेशन को रिसीविंग स्टेशन तक रिसीविंग स्टेशन कहां पर था ये अर्थ पे था तो यानी कि जो एनर्जी रिकॉर्ड हुई थी सेंसर्स के अंदर अब उस एनर्जी का जो डेटा है वो रिसीविंग स्टेशन तक पहुंचता है लेकिन रिसीविंग स्टेशन उसको एज इट इज नहीं ले सकता उसके ऊपर होते हैं एंटीना उस एंटीना के अंदर वो एनर्जी आकर रिकॉर्ड होती है तो एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट समझ लिया हमने कि शुरू में हो क्या रहा है कि एक सन से एनर्जी गिर रही है सन से जो एनर्जी गिर रही है उसमें से कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो रहा है कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है जो पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको सैटेलाइट के जो सेंसर है से उसको खींचकर अपने तरफ गैदर कर लेते हैं अपने पास उसका डेटा बना लेते हैं उस डेटा को वो रिसीविंग स्टेशन तक वापस पहुंचाते हैं रिसीविंग स्टेशन के ऊपर होते हैं एंटीना जो कि उसको चीजों को समझ लेते हैं रिसीविंग स्टेशन उसके बाद क्या करता है प्रोसेसिंग करता है एनालिसिस करता है और फाइनली उसका एप्लीकेशन करता है जो डेटा उसके पास आया उसको अच्छे से समझेगा उसका, उसका एनालिसिस करेगा और उसका यूज करेगा और जो भी डेटा उसके पास आता है वो सेंसर्स के पास से आता है तो ये बातें हमें क्लियर होती है कि रिसीविंग स्टेशन के पास सेंसर्स अपना डेटा भेजते हैं सेंसर्स के ऊपर डेटा कहाँ से गया है, ये सारी बातें क्लियर होती है आगे देखते हैं रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन क्या होती है तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन और डेटा मिलता है ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर होते हैं विदाउट कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद देम क्योंकि यहां पर ना ही पॉन्ट के पास ना ट्रीज बिल्डिंग्स या और भी जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अर्थ सर्फेस के ऑब्जेक्ट्स के उन सभी के कॉन्टेक्ट में हम नहीं आ रहे हैं बल्कि उन सभी के दूर से ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जा रही है इसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के पास आए बगैर भी उनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं दो साइंटिस्ट आए थे लिल्स और किल्फर इन दोनों ने कहा कि साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑप्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट एरिया फिनोमिना अर्थ सरफेस थ्रू दी एनालिसिस ऑफ डेटा एक्वायर्ड बाई ए डिवाइस दैट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दब्जेक्ट एरिया फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशन रिमोट सेंसिंग ऐसा साइंस ऐसा आर्ट है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एरिया के बारे में अर्थ सरफेस के बारे में लेकिन बिना उसके पास जाए या फिर बिना उसके कॉन्टेक्ट में आए हम इन्फॉर्मेशन को वहां पर गैदर कर लेते हैं तो ये तो होगी रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन यहां पर अब आता है कि वर्किंग किस तरह से होती है रिमोट सेंसिंग की तो जो वर्किंग होती है रिमोट सेंसिंग की वो सेवन स्टेप्स की होती है सेवन स्टेप्स अब हम एक एक करके देख जाएंगे जिसमें पहली होती है एनर्जी सोर्स को जानना एनर्जी सोर्स वही है जैसे कि सन ये क्या कर रहा है ये चीज को इल्यूमिनेट करेगा ऑब्जेक्ट्स को इल्यूमिनेट करेगा उन पर लाइट को थ्रो करेगा वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होगी वो टारगेट तक पहुंचाने का काम इसी एनर्जी सोर्स का होता है दूसरा पॉइंट आता है रेडिएशन एंड एटमोस्फेयर का जैसे ही एनर्जी ट्रेवल करती है सोर्स से टारगेट तक तो बीच में कहीं ना कहीं वो एटमोसफेयर के साथ भी कॉन्टेक्ट करती है ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम लोग जो हमारा स्पेस है और अर्थ कनेक्टेड है बिल्कुल लगातार कनेक्टेड ऐसा नहीं होता बीच में एटमोसफेयर होता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स उसमें क्लाउड हो सकते हैं हर चीज होती है एटमोसफेयर में तो वो भी बीच में एक कनेक्शन आता है फिर वहां से एनर्जी पास होते हुए ये जो इंटरेक्शन होता है ये पूरा वहां होता है उसमें कुछ सेकेंड लगते हैं फिर जाके वो जो एनर्जी होती है वो ट्रेवल करते हुए टारगेट तक आती है और कह सकते हैं वो सेंस उसको फिर बाद में सेंस करेंगे तो दोनों ही चीजों में बीच में एटमोस्फेयर का रोल प्ले कहीं ना कहीं देखने को मिलता है थर्ड वाला है यहां पर कि इंटरेक्शन विद टारगेट यहां पर सेवन स्टेप्स में से थर्ड स्टेप हम देख रहे हैं इंटरेक्शन विद टारगेट एक बार जब एनर्जी अपना वे बना लेती है एटमोस्फेयर से पास होकर चली जाती है वो इंटरेक्ट करती है टारगेट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ दी टारगेट एंड रेडिएशन किस तरह से उन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट होगा इंटरेक्शन होगा कि टारगेट की भी प्रॉपर्टीज देखी जाएगी और रेडिएशन की भी प्रॉपर्टीज देखी जाएगी ऐसा नहीं कि सेम रूल सब चीजों पर फॉलो होगा जैसे अभी हमने कहा कि पॉन्ट जो होगा वो रिफ्लेक्शन ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू ट्रीज एंड बिल्डिंग्स तो टारगेट और रेडिएशन दोनों की प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए वो चीजें वहां पर होगी फोर्थ स्टेप होती है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर्स जो भी रिकॉर्डिंग हुई है सॉरी uh, जो भी सेंसर्स है वो सारी एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं अब ये जो सेंसर्स होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी रिकॉर्ड करते हैं सेंसर्स दो तरह के होते हैं अच्छा सेंसर सेटेलाइट के ऊपर पाए जाते हैं जो कि दो तरह के होते हैं एक्टिव एंड पैसिव एक्टिव ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि बिना लाइट बिना सनलाइट बिना सोर्स के भी वर्क प्ले कर सकते हैं उन्हें किसी भी लाइट सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती और ये क्या करते हैं दे सेंड देयर ओन रेडिएशन टू टारगेट क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था सन अपनी एनर्जी को ऑब्जेक्ट तक पहुंचा रहा था फिर जाके वहां से जो एनर्जी थी वो रिफ्लेक्ट होती थी फिर सैटेलाइट तक पहुंचती थी तो ये काम हो पाता था अगर मान लीजिए सन ही नहीं होगा रात का टाइम है या फिर सन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं कोई लाइट सोर्स नहीं है एनर्जी सोर्स नहीं है तो फिर क्या होगा तब भी एक्टिव सेंसर्स काम कर सकते हैं तो एक्टिव सेंसर्स कैसे काम करते हैं इनका ये फिनोमेना होता है कि खुद ही ऐसी एनर्जी को रिलीज आउट करते हैं जो कि या फिर रेडिएशंस को रिलीज आउट करते हैं जो कि जब टारगेट्स के ऊपर गिरते हैं तो टारगेट्स उस पर से रिफ्लेक्ट करेगा फिर ये खुद ही उसको भी सेंस कर लेगा यानी एनर्जी भी खुद छोड़ के रिलीज कर रहे हैं और उस चीज को सेंस भी खुद कर रहे हैं ऐसे सेंसर्स होते हैं एक्टिव सेंसर्स और बैड्स भी इसी तरह के होते हैं जैसे रात के टाइम पर बैड्स भी ईको लोकेशन कर लेते हैं अपने प्रे को ढूंढने के लिए वही एग्जाम्पल कहीं ना कहीं एक्टिव सेंसर्स की तरह भी होता है पैसिव सेंसर्स की बात करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लाइट की ही प्रेजेंस में वर्क कर सकते हैं यानी कि डे टाइम में जब इनको सन जो है होगा जब अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा ऑब्जेक्ट पर थ्रो करेगा तब जाकर ही उसको सेंस कर पाएंगे बाकी इनमें कोई अलग सी एबिलिटी नहीं होती तो ये डिफरेंस होता है एक्टिव पैसिव में कि ये एनर्जी की एब्सेंस में भी काम कर सकता है और ये एनर्जी की सिर्फ और सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही काम करेगा एनर्जी की तो प्रेजेंस में दोनों ही कर रहे हैं लेकिन ये सनलाइट के बगैर भी कर सकता है और ये सनलाइट की प्रेजेंस में करेगा ये सनलाइट के बगैर प्रेजेंस में कैसे करता है क्योंकि खुद ही वहां पर एनर्जी को रिलीज आउट करता है और खुद ही उसको समझ भी लेता है तो ये सेंसर्स के दो तरह के हमारे पास टाइप्स हो जाते हैं फिफ्थ जो स्टेप होती है हमारी वर्किंग ऑफ रिमोट सेंसिंग के अंदर वो होती है ट्रांसमिशन रिसेप्शन प्रोसेसिंग यानी कि सेंसर ही सेंसर्स होना चाहिए सॉरी यहाँ पर सेंसर जो गे वो सेंड करेगी इन्फॉर्मेशन एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फिर वो स्टेशन तक जाएगी और स्टेशन उसको इमेज फॉर्म में बदलेगा क्योंकि अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं हम सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं समझ सकते हमें उस चीजों को समझने के लिए कुछ इमेज की जरूरत पड़ेगी तो अब यहाँ पर जब सेंसर uh, जो यानी कि सैटेलाइट जो जो इंफॉर्मेशन को रिसीविंग स्टेशन तक पहुंचाती है जो कि अर्थ के ऊपर होते हैं तो वो रिसीविंग स्टेशन क्या करते हैं उन एनर्जी को इमेज के फॉर्म में चेंज करते हैं और तब जाके उन चीजों को समझ पाते हैं उसके बाद सिक्स स्टेप होती है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस इसमें इमेज जो होती है उसको हार्ड कॉपी में डिजिटल फॉर्मेट में लिया जाता है उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है और फाइनली उसका एनालिसिस किया जाता है अब इसके बाद लास्ट स्टेप देखते हैं लास्ट स्टेप होती है हमारे पास एप्लीकेशन यानी कि अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन अब हमारे हमारे जो रिसीविंग स्टेशन है वहां तक पहुंच चुकी है उसको हम लोग अब यूज कैसे करेंगे अब आता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग की किस तरह से इसकी हिस्ट्री होती है तो सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ था फोटोग्राफ का वो कहीं ना कहीं रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री में माना जाता है क्योंकि जो कैमरा होता है वो जब फोटोग्राफ लेता है तो हम ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आए बगैर उसका फोटो वहां पर ले लेते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गैदर कर लेते हैं जो कि एक तरह से रिमोट सेंसिंग ही है यहाँ पर दूसरा फिर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एल सॉरी अल हजन जो कि एक अरेबियन मैथमेटिशियन थे इन्होंने क्या करा इन्होंने वो प्रिंसिपल एक्सप्लेन करा कैमरा ऑप्सक्यूरा का जिसमें इन्होंने ये बताया कि जब सूर्य ग्रहण लगता है जिसको हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं तो उसको किस तरह से ऑब्जर्व किया जाए उसके बारे में इन्होंने बताया था जो कि अरेबियन मैथमेटिशियन थे अल हजन तो उन्होंने हमें सूर्य ग्रहण को कैसे देख सकते हैं कैप्चर कर सकते हैं कैमरे के थ्रू उसके बारे में बताया था देन उसके बाद न्यूटन आए न्यूटन ने क्या करा उन्होंने प्रिज्म लिया प्रिज्म के ऊपर उन्होंने व्हाइट लाइट को रिलीज आउट करा और उसमें से विबग्योर बन गया यानी कि सेवन कलर्स देखने को मिले जो की वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड होते हैं उसके बाद विलियम हर्शल आए उन्होंने जो टेम्परेचर होता है लाइट का वो कैसे मेजर करे उसके बारे में बताया उसके बाद जीएफटी नडार आए उन्होंने पहला एरियल फोटोग्राफ लिया था पेरिस के अंदर वो भी बलून के थ्रू तो बलून के थ्रू तो फोटोग्राफी जीएफटी नडार ने की थी देन आर्थर बेबेट आए उन्होंने वो फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ उन्होंने लिया था लेकिन उन्होंने काइट के थ्रू लिया था बलून इन्होंने लिया इन्होंने काइट के थ्रू यानी अः पतन के ऊपर कैमरे को अटैच करके इस तरह से फोटोग्राफी को किया था उसके बाद आए बीपी क्रॉप उन्होंने भी फोटोग्राफ लिया लेकिन पीजन के ऊपर कैमरा अटैच करके लिया फिर उसके बाद रशिया ने सबसे पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम था स्पुटनिक जो कि फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो अब डायरेक्टली अब हम लोग सैटेलाइट्स के ऊपर आ गए फिर सेंसर्स का भी कंसेप्ट आ जाएगा क्योंकि सैटेलाइट के अंदर ही सेंसर्स होते हैं तो रशिया पहली कंट्री थी जिसने पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी आर्टिफिशियल सेटेलाइट दैट वॉज स्पुटनिक उसी के 28 डेज बाद रशिया ने एक और सैटेलाइट लॉन्च की स्पुटनिक टू जो कि एक डॉग के साथ उन्होंने सेंड की थी एक डॉग को भेजा गया था स्पेस में उसके बाद यूएसए ने एक्सप्लोरर वन को लॉन्च किया चाइना आई उसने भी सैटेलाइट लॉन्च की डोंग फेंग मॉन्ग वन नाम से हॉन्ग वन सॉरी इंडिया ने लॉन्च किया आर्यभट्ट भास्कर वन रोहिणी वन एट्सेट्रा तो ये सारी सैटेलाइट्स के रोल प्ले थे इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग तो प्लेटफॉर्म सेंसर्स ऑर्बिट्स ये तीनों टाइप्स होते हैं प्लेटफॉर्म्स व्हीकल्स होते हैं कैरियर्स होते हैं रिमोट सेंसर्स के ये ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म हो सकते हैं एयर बॉर्न प्लेटफॉर्म हो सकते हैं स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म हो सकते हैं इसका इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं होता इसलिए हम इसको एक शॉर्ट वे में ही समझ रहे हैं दूसरी चीज होती है सेंसर्स जो कि आप जानते हैं पहले से ये सेंस करेंगे कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को दो तरह के होते हैं पैसिव एक्टिव पैसिव वो है जिनको एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ेगी अपने काम को करने में और एक्टिव वो है जिन, जिनको कोई सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती वो खुद ही एनर्जी को रिलीज आउट करते हैं फिर ऑब्जेक्ट पर वो एनर्जी पहुंचती है वो रिफ्लेक्ट बैक है और उसको वो सेंस कर लेते हैं इतनी सी चीज है पैसिव एक्टिव में उसी को मैंने यहां पर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है पैसिव डिटेक्ट नेचुरल एनर्जी या रेडिएशन दैट इज इमीडिएट और रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट और सीन बींग ऑब्जर्व रिफ्लेक्टेड सनलाइट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रेडिएशन मेजर्ड बाय पैसिव सेंसर्स जनरली सनलाइट की प्रेजेंस में ही काम करते हैं नेक्स्ट पेज देखते हैं दूसरे होते हैं एक्टिव सेंसर दे डोंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती ट्रांसमिट देयर ओन सिग्नल एंड मेजर एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बैक फ्रॉम टारगेट एग्जाम्पल इसमें आता है रेडार सोनार का जैसे कि बैट्स और शिप्स करते हैं तो जो चिमगादड़ होते हैं और जो शिप्स होती है तो शिप्स का भी आपको कंसेप्ट पता होगा कि जब वो जब भी शिप जो होगी ओशन या सी के अंदर जाते हैं तो वो वहां पर आ, एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके ये चेक करते जाते हैं कि रास्ते में कोई बड़ा आइसबर्ग तो नहीं कोई ग्लेशियर टाइप चीज तो नहीं है जिससे शिप को कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो कैसे चेक करा जाता है इन्हीं चीजों से दैट इज द रेड आर एंड सोनार उसके बाद अगर हम एक छोटा सा कंसेप्ट और लें अगर पैसिव और एक्टिव को समझने के लिए तो अगर पैसिव एक ऐसा तरह का, का कैमरा है जिसमें फ्लैश नहीं है विदाउट फ्लैश वाला कैमरा है तो अगर कोई ऐसा रूम होगा जहां पर लाइट तो प्रेजेंट है लाइट प्रेजेंट है तो पैसे वाला वहां पर अच्छा फोटो ले लेगा ऐसा कैमरा है लेकिन वहां पर अगर हम डार्क रूम में वही फोटो लेने की कोशिश करेंगे लेकिन हमारे कैमरा में फ्लैश नहीं है तो डार्क रूम में क्या होगा कि हमें वहां पर प्रॉब्लम आएगी और हम क्लियरली फोटो नहीं ले पाएंगे इसलिए पैसे ऐसा कैमरा है जिसमें लाइट खुद से अंदर नहीं है तो यानी कि हमें ऐसे कमरे की जरूरत पड़ेगी या ऐसी जगह की जरूरत पड़ेगी जहां लाइटिंग प्रॉपर हो वहीं एक्टिव वाले की बात करें एक्टिव सेंसर इस तरह का कैमरा है जिसमें फ्लैश प्रेजेंट होता है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है मान लीजिए अगर रूम में लाइट ना भी हो तो भी इस वाले एक्टिव वाले तरह के कैमरे से अच्छे ही फोटोज आएंगे क्योंकि ये खुद ही लाइट को वहां से रिलीज आउट कर देगा इसके अंदर खुद से फ्लैश वहां प्रेजेंट होगा तो ये कंसेप्ट हम इसको लेते हुए एक्टिव पैसिव सेंसर्स को समझ सकते हैं उसके बाद बात आती है ईएमआर की ईएमआर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि प्रोपोगेट करती है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कि आपने फिजिक्स में पहले भी पढ़ा होगा एंड फाइनली अब हमारे पास कंसेप्ट आ जाते हैं रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशन के जिसका सबसे ज्यादा रोल प्ले एग्रीकल्चर के अंदर होता है इसमें हमें अगर ये पता लगाना है कि क्रॉप किस तरह की ग्रो करी क्रॉप टाइप क्लासिफिकेशन क्या है तो वो हम यहां पर पहचान सकते हैं इससे रिमोट सेंसिंग के थ्रू और इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो क्लोजली लुकिंग क्रॉप्स को भी यानी कि अगर दो पास पास क्रॉप उगरी है तो उनको भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूर से रहकर क्रॉप की कंडीशन का असेसमेंट कर सकते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रॉप ईल्ड एस्टिमेशन कर सकते हैं मैपिंग ऑफ सॉइल कैरेक्टर्स कर सकते हैं तो ये सारी चीजें तो एग्रीकल्चर में आती है दूसरा हमारे पास आता है फॉरेस्ट्री का पॉइंट फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि फॉरेस्ट कवर कितना है कहां तक फॉरेस्ट फैला हुआ है ये सब देखना है तो हम लोग खुद से बैठकर उसको नाप तो नहीं सकते इसलिए सैटेलाइट के थ्रू हम ये सारी चीजों को चेक कर पाते हैं डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट फायर कहीं फॉरेस्ट में आग तो नहीं लगी कितना फॉरेस्ट कट गया है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कितने हैं वेजिटेशन डेंसिटी बायोमास सभी चीज हम इससे रिमोट सेंसिंग के थ्रू देख सकते हैं लेकिन यहां एक चीज होती है कि जो नॉर्मली ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का हमें वो एज इट इज नहीं दिखाई देता जो इमेज हमें रिमोट सेंसिंग के थ्रू मिलती है हमें जो प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं वो रिमोट सेंसिंग में रेड कलर के दिखाई देंगे फॉर एग्जाम्पल तो यहां होता क्या है कि जो नेचुरल कलर कंपोजिट है वो यहां चेंज हो जाता है और बल्कि हमें फॉल्स कलर कंपोजिट देखने को मिलता है तो आप यह, आपको यहां पर ये यह याद रखना है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं कि रिमोट सेंसिंग में एफसीसी देखा जाता है दैट इज द फॉल्स कलर कंपोजिट ओरिजिनल कलर नहीं दिखाई देता हमें चीजों का बल्कि नेच सॉरी नेचुरल कलर नहीं दिखाई देता ना ओरिजिनल दिखाई देता है बल्कि फॉल्स कलर कंपोजिट वहां दिखाई देता है उसके बाद आती है बात जियोलॉजी में जियोलॉजी के अंदर बेडरॉक मैपिंग लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चरल जियो हजार एक्सेट्रा हाइड्रोलॉजी वेटलैंड मैपिंग सॉइल मॉइस्चर स्नो थिकनेस ग्लेशियर डायनेमिक्स रिवर डिटेक्शन ड्रेनेज बेसिन मैपिंग ये सारी चीजें हाइड्रोलॉजी में आती है उसके बाद सी आइस की बात करें तो आइस की कंसेंट्रेशन आइस की टाइप उसकी एज कितनी आइस मोशन में है या फिर स्टेटिक है आइसबर्ग डिटेक्शन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट नेविगेशन आइस की कंडीशन देखना है स्टेट ऑफ डीके देखना है ये सारी चीजें भी हम लोग रिमोट सेंसिंग के थ्रू इजीली परफॉर्म कर सकते हैं उसके बाद ओशंस और कोस्टल की बात आती है जिसमें ओशंस uh, को देखना है फिश स्टॉक मराइन मेमल असेसमेंट वाटर टेम्परेचर स्टॉम्स टाइड्स ह्यूमन का इम्पेक्ट क्या है ओशन की सेलिडिटी क्या है ये सभी चीजें हम लोग रिमोट सेंसिंग के थ्रू इजिली परफॉर्म कर सकते हैं यहां पर इसके एप्लीकेशन भी कम्पलीट हो जाते हैं तो ये ज्यादा बड़ा वैसे टॉपिक नहीं है लेकिन इकोटॉक्सिकोलॉजी का एक पोर्शन है तो हमने इसको भी यहां पर करा है तो इसको एक बार छोटा सा रिविजन लेते हुए यहां पर कम्पलीट करते हैं तो सबसे पहले हमने यहां पर इंट्रोडक्शन देखा उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को चेक करा फिर जो मेन डायग्राम यहां पर रिमोट सेंसिंग में आपको भी इसको ड्रॉ करना रहेगा सैटेलाइट यहां होगी सेंसर्स के साथ नीचे होता है रिसीविंग स्टेशन जो कि इमेज फॉर्म करने का काम करता है यहीं से जो एनर्जी के पास आती है इन्फॉर्मेशन उसको गैदर करने के बाद सन यहां पर हमारा लाइट सोर्स है एनर्जी सोर्स है कह सकते हैं फिर उसके बाद ये सारी चीजें हमने देखी नेक्स्ट पेज देखते हैं सेटेलाइट्स में टू सेंसर्स होते हैं एक्टिव पैसे वो भी हमने देखे फिर उसके बाद प्रोसेसिंग एनालिसिस एप्लीकेशन ये काम कौन करता है रिसीविंग स्टेशन करता है रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन क्या होती है वो हमने यहाँ पर दो फॉर्म में देखी उसके बाद वर्किंग रिमोट सेंसिंग की सेवन स्टेप्स में किस तरह से हो सकती है उसको देखा फिर यहाँ पर थर्ड स्टेप भी देख सकते हैं हम लोग इंटरेक्शन विद टारगेट फिर उसके बाद uh, जो एक्टिव पैसिव के टाइप्स की डिटेल्स होना चाहिए वो देखी ट्रांसमिशन रिसेप्शन प्रोसेसिंग का देखा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस सेवन स्टेप थी एप्लीकेशन वो देखी उसके बाद जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होना चाहिए रिमोट सेंसिंग का उसको देखा कैमरा से स्टार्टिंग हुई अल हजन अरेबियन मैथमेटिशियन आए न्यूटन आए फिर उसके बाद विलियम हर्शल जीएफटी नडार आर्थर बेबेट बीपी क्रॉप रशिया कंट्री ने फिर पहला सेटेलाइट लॉन्च करा उसके बाद दूसरी कंट्रीज ने भी लॉन्चिंग स्टार्ट करी ये सारी चीजों के नाम आए कंपोनेंट क्या हो सकते रिमोट सेंसिंग के ये देखे हमने यहां पर फिर उसके बाद पैसिव की डेफिनेशन यहां पर आई एक्टिव की डेफिनेशन उसका एक्सप्लेनेशन अगर छोटा सा समझने की कोशिश करे तो कैमरा के थ्रू ही समझा ईएमआर क्या होता है रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशन क्या होते हैं फाइनली हमने इसको देखा तो इसमें हमने ये सारी चीजें देखी ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है और इजी भी है तो हम लोग इसको अगर एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो कंपेरेटिवली दूसरे टॉपिक्स के उसमें इजियर होता है सो आई थिंक वी शुड स्टॉप दी वीडियो नाउ थैंक यू सो मच डोंट फरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हैप्पी लर्निंग